तो गाइस फाइनली कीर्ति मेहरा ने रिवील करा अपने और एलविश यादव की रिलेशनशिप के बारे में। मतलब बेसिकली कीर्ति मेहरा एक ब्रॉडकास्ट में गई थी और इसी का मतलब जो ये जना इंटरव्यू ले रहा है इसी ने कुछ टाइम पहले एलविश यादव का इंटरव्यू लिया और सेम रूम था, मतलब सब जगह सेम ही थी। मुझे भी लग रहा था, काफी लोगों को लग रहा था कि भाई इन दोनों का एक साथ हुआ, बट एक साथ नहीं हुआ, अलग अलग हुआ क्योंकि इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है ना। तो यहां पर भाई वो बंदा साफ साफ उसके एलविश यादव के बारे में पूछा और कीर्ति मेहरा डिटेल में वीडियो, मतलब डिटेल में वीडियो नहीं, डिटेल में एक्सप्लेन कर दे कि कहां से स्टार्ट हुआ और उस टाइम क्या चल रहा है। आप लोग इस क्लिप को देख सकते हो। एल्विस एज ए पर्सन आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है और क्या क्या सपोर्ट आज तक आप दोनों ने एक दूसरे की हेल्प करी है? ये तो मतलब मैं वर्ड्स में बोल ही नहीं पाऊंगी, ये तो विजिबल है सारी ऑडियंस। अगर आप किसी के साथ ऐसे 6-7 साल से हो तो आपको वो फैमिली मेंबर लगने लगता है। तो आप अगर मेरे से पूछोगे मेरे फैमिली मेंबर की क्या वैल्यू है, मैं नहीं बता पाऊंगी। करेक्ट। तो मेरे लिए वो वहां ऐसा था कि पापा एल्विस, मेरी फैमिली पूरी, इन्होंने अगर कोई बात बोल दी है ना तो उसके तो आगे मैं जाऊंगी नहीं, वो लक्ष्मण रेखा है। और कभी कभी लाइफ में ऐसी चीजें भी आती हैं कि आपको पता है ये रास्ता बंद हो चुका, जाना मुझे इसी पे पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं बचते। अब मैं दुखी रहूं बट मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है कि मेरे को काम करना ही है। ऐसी सिचुएशन मुझे पसंद भी है क्योंकि इससे आप आगे बढ़ सकते हो। जब हमें पता है ना कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है इसको करने के अलावा, वहां पे बंदा काम करना शुरू कर देता है। एक्चुअल है क्या वो, एक बार बताओ। जो एक्चुअल है देखो वो तो किसी को पता है नहीं। और मैं मतलब वो अपनी वीडियो में अगर कोई जोक भी कर रहा है ना कि धोखा दे दिया ये वो, अब मुझे पता है कि वो किसके लिए बोल रहा है, बट ऑडियंस को लगता है कि वो मेरे लिए बोल रहा है क्योंकि हम इतने टाइम से साथ में नहीं दिखे। वो मेरे को ये चीज नहीं बोलेगा कभी।